बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आलू गोश्त बनाना सिखा रहे हैं डिफरेंट तरीके से। आधा किलो चिकन ले लिया, एक पाव दही, हल्दी, सूखा धनिया, मोटी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च, ये दो टमाटर, एक प्याज और दो हरी मिर्चें, ये कटा हुआ प्याज एक, और आलू एक चम्मच डालते हैं, मोटी मिर्चें एक चम्मच भर के, सूखा धनिया एक चम्मच ही, लाल मिर्चें पिसी हुई आधा चम्मच, हल्दी और आधा चम्मच ही काली मिर्चें, और अब इसमें डालेंगे दही। अब इसको मैरिनेट कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें हम ये जो आलू है इसको फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे ब्राउन हो चुके हैं हल्के से, गोल्डन ब्राउन ही करने हैं हल्के से इसको, और इसको निकाल देंगे दूसरे तरफ। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जितना हो सकता है। जिन लोगों को शिकायत होती है कि प्याज डोबे में होते हैं, इसलिए हम आपको बताना बता रहे हैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना। अब हम इसमें गर्म मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप बना के चेक करिए। ये बहुत डिफरेंट तरीका है बनाने का, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो इस एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा आलू गोश्त कैसा बना। घी छोड़ दिया, इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 15 मिनट इसको जो है ना भूनेंगे। ये जो प्याज मैं इस टाइम पे ऐड कर दी, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ठीक हो जाए और बहुत मज़े का बने।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेशन में बताइएगा कि हम लोग नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाएं। 10 मिनट के लिए इसको ढक कर पकाएंगे, और ताकि अच्छे से चिकन और आलू तो वैसे भी गले हुए हैं लेकिन वो भी गल जाए, हमारी ग्रेवी जो है ना फिर एक जान हो जाएगी अच्छे से। पानी इसका खुश्क हो चुका है, अब हम इसको भूनेंगे 5 मिनट ताकि ये अच्छे से घी छोड़ दे। ये भूनते वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और फिर हमें बताना है कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। अब इस फ्राइंग पैन ये 2-3 बोतल मिर्चें डाल देंगे, इसमें साबुत, इनका एक अपना ही फ्लेवर होता है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अगर आपने चावलों के साथ बनाना है तो आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो फिर ग्रेवी की तरह डाल लें बस, हल्का सा बिल्कुल। हमारा चिकन भी गल चुका है और हमारा आलू भी गल चुकी है। ये देखें आप, ये देखें हमारी ग्रेवी जो है बहुत मज़े की और थिक ग्रेवी बनी है। मज़ीद 5 मिनट जो पानी डाला है पकाएंगे और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है, ये है इसकी फाइनल लुक। आप इसको अगर तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे एक बार आप भी ट्राई करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और बताइएगा कि आपका आलू गोश्त कैसा बना। हमने आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है, आप भी इसे एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।